भाभी जी, अरे हमें भी चाय पे बुला लो कभी। हाँ अरे वास तो सुबह सुबह अपने ना हस्बैंड को समझा लो, सड़क पे चलती हुई को बोल रहे थे भाभी जी चाय पे बुला लो, क्या बदतमीजी है ये। चाय पे बुलाने को तो नहीं बोलना चाहिए ऐसे, वो भी अकेले में बाइक रोक के मेरे सामने, ऐसी वैसी समझाएगा मुझे। ये तो जी बड़ी गलत बात है, शादीशुदा औरत को ऐसे कौन पूछता जाएगी। देखिए उन्हें समझा लीजिए, दोबारा बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। ठीक है। क्या सोचा फिर भाभी जी, इरादा नहीं है क्या चाय पिलाने का? क्या बदतमीजी कर रहे हो आप ये रोज रोज, जरा शर्म नहीं, हम पड़ोस में ही रहते हैं। क्या हुआ जी? आज फिर वो वही बोल के गए, मैंने कहा था ना बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी मुझसे दोबारा। क्या बोला आज? चाय पे बुलाने का इरादा है या नहीं ये बोल के गए। ये तो बड़ी गलत बात है जी। अरे गलत बात है ये तो मुझे भी पता है, लेकिन कर क्यों रहे बदतमीजी रोज, क्या समझ लिया है मुझे? मेरे ना हस्बैंड को मालूम लग गया ना आप दोनों का रहना मुश्किल हो जाएगा। कोई छोटी मोटी बात है ऐसे सड़क पर चलती हुई औरत को छेड़ना? चलो मैं बोल दूंगी उन्हें कि ऐसे सड़क पे ना छेड़े, घर जाके ही छेड़ दिया करे। अच्छा आप ना मेरे हस्बैंड को आने दो और अपने हस्बैंड को भी आने दो, उन्हें लेके ही आऊंगी मैं यहाँ पे। जो आपके हस्बैंड ने किया है ना वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मैंने पहले ही कहा था समझा लो, अब मेरे हस्बैंड का हाथ वाथ उठ गया ना तो मुझसे मत बोलना। क्या मतलब है कि नहीं जाओगे? तुम्हें समझ नहीं आ रहा वो छेड़ रहा है मुझे रोज रोज चाय के बहाने, तुम्हें तो उसे उठा के फेंक देना चाहिए। तो तूने उसकी बीवी को नहीं बोला? दोनों के दोनों मिले हुए, कुछ कह ही नहीं दिया अपने हस्बैंड को। अच्छा तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा छेड़ रहे हो? उठो मेरे साथ चलो, उठो। घूर क्या रहे हो, बोलो ना कुछ, छेड़ रहा था ये मेरे को, चाय पीना चाहता है मेरे साथ, बोलो ना। देखो अगर तुमसे नहीं बोला जा रहा तो मैं अपने भाई को बुला लूंगी, बोलो कुछ। भाई साहब आपने अच्छा नहीं किया। ऐसे बोलोगे, चिल्ला के बोलो ना और तू करके बोलो, ऐसे कहो तूने अच्छा नहीं किया। आप पहले मुझे बता ही देते। क्या बता सकते थे, बताने की बात है कोई? शिव मेरा ना दिमाग मत खराब कर। अरे चुप हो जा भाई, चुप कर जा, उन्होंने छेड़ा ही नहीं तेरे को। फिर भाभी जी चाय बना रही हो क्या? खुशबू आ रही थी। भाभी जी चाय बना ली? भाभी जी चाय। हम लोग ना बुरा नहीं बनना चाहते थे इन्हें मना करके, आप खुद सोचिए ये आए दिन आपके घर आए चाय पीने, आपको कैसा लगेगा? और हमें नहीं जाननी कोई भी बात, हमें नहीं जानना सोसाइटी में कौन कैसा है, किसकी लड़की कहाँ भाग गई, किसकी लड़की किधर जा रही है और किधर से आ रही है, आपके रिश्तेदार कमीने है, आपकी सरकार कमीनी है, हमें नहीं जानना, हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इन सब बातों में। प्लीज भाभी जी चलो मैं बना के पिलाती हूँ तुम्हें चाय, मेरे से तो कभी ऐसे बात नहीं करी चाय पीते में। करता तो हूँ। बहुत करते हो, आज तुम्हारी चाय में आग लगाऊं। अब आए थे तो चाय पी लेते।